हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आरू जी के हब हाँ। मैं आज फिर से आप लोग को ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैराथन सेशन पार्ट टू लेके आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम लोग एग्जाम नंबर एट फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम टू से शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का सामने में महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर महात्मा गांधी वापस इंडिया में कब लौटा था साउथ अफ्रीका से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन महात्मा गांधी ने अपना पढ़ाई लॉ में कंप्लीट करके साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में 1915 को वापस आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ फाउट इन द ईयर बैटल ऑफ बुक्सर लड़ा गया था ऑप्शन सी सेवनटीन सिक्सटी फोर में ये बुक्सर जो बिहार में है एक जगह का नाम है बिहार में बुक्सर जो यहाँ में वार जो लड़ा गया था जिसमें ब्रिटिश आर्मी लेड बाय जनरल हेक्टर अगेंस्ट कंबाइंड आर्मीज़ ऑफ बलवंत सिंह राजा ऑफ बनारस मीर काजिम नवाब बेंगल शुजाद दौला नवाब ऑफ अवध एंड मुगल अम्पेरो शाह आलम तू ये चारों मिल के ब्रिटिश का अगेंस्ट लड़ा था लेकिन ब्रिटिश ने ये वार को जीत लिया था और एट ट्रीटी ऑफ बाद साइन करना पड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्टिट्यूशन शांति निकेतन वॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रबीन्द्र टैगोर और ये शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्काजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी कनाडियन Constitution. कनाडियन Constitution से ये लिया गया था quasi फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया ने quasi फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग है जहाँ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के कंट्री को चलाता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का पास ज़्यादा पावर होता है जो भी मेन मेन decision है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन When the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, anti British resistance movement was launched by the Queen. The right answer is option A Rani Channama. Next question The president of the constituent assembly after Indian independence was the right option is option A doctor rajendra prasad doctor rajendra prasad was the president of constituent assembly after indian independence next question the maximum strength of council of ministers in a state as per constitution is the right option is option c 15 percent of legislative assembly agla question

फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट ग्राफिन इनोवेशन सेंटर ऑफ द कंट्री इज सेटअप नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड फ्रॉम ये एडॉप किया गया था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थालीनॉमिक्स इज रिलेटेड टू थालीनोमिक्स रिलेटेड किया जाता है ऑप्शन डी से कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक गेम्स 2028 इज शेड्यूल एट ओलंपिक गेम्स 2028 कहाँ खेला जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉस एंजलिस कमिंग 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर ओलंपिक गेम्सों पेरिस में खेला जाएगा पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया वन थाउजेंड वन डे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट मैच वाज प्लेड अगेंस्ट यह लड़ा गया था इंडीज का अगेंस्ट में इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो कि वन थाउजेंड ओडीआई मैच खेला था और यह खेला गया था वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली दिस एथलीट हु वन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 राइट ऑप्शन बी पी आर सीजेश कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा पी आर जो कौन सा गेम खेलता है नेक्स्ट क्वेश्चन वन आईसीसी वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ ईयर 2021 का वोनिक को जीता है ऑप्शन डी स्मृति मंडाना ये इंडिया का क्रिकेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेयर हु वन द 2022 थाउजेंड मोदी इंडियन इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन वास, राइट ऑप्शन ए पी वी सिंधु ने ये किताब को जीता था Next question, dash are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. The right option is option A, alloys. Next question, Winkov 19 is, the right option is option B, first indigenous drug to treat COVID-19. आप लोग जरूर यह क्वेश्चन को याद कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन परम गंगा इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंग, परम गंगा जो क्या है एक सुपर कंप्यूटर है ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन आशियन का कौन सा मेंबर नहीं है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंडिया जो आशियन में नहीं आता है आशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्गारिता मैग्निफिका इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए bacterium that is बिग enough टू बी सीन थ्रू द naked आई ऐसा बैक्टीरियम है जो हम लोग अपना लेकेट आई से भी देख सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वास द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था चेयरमैन ड्राफ्टिंग कॉमिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट वॉज हेल्थ इन द ईयर कहां पर हुआ था ये? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नाइनटीन नाइनटी टू रियो डी जेनेरियो कहां में है ब्राजील में है नेक्स्ट क्वेश्चन मोसाइक मिशन रिलेटेड टू मोसाइक मिशन जो ऑप्शन डी क्लाइमेट चेंज को रिलेट करता है ये मोसाइक मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड एस इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉफिक्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जून ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सोल्ट कैफ हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड एट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इसराइल इजराइल में डिस्कवर किया गया था ये लॉन्गेस्ट सॉल्ट कैफ है नेक्स्ट क्वेश्चन इन डार्क इज इंडिया फर्स्ट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अंडर वाटर मोर ऑब्जर्वेटरी और इसको इंडिया ने आर्टिक रीजन में बनाया गया है आर्टिक रीजन आर्कटिक रीजन में बनाया गया है यह इंडिया ने इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मोड ऑब्जर्वेटरी है ये नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस डांसिंग गर्ल कॉपर आर्टिफैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मोहन जोदारो में मोहन जोदारो में पाया गया था ये फेमस डांसिंग गर्ल ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है इसको ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन

विच ऑफ़ द कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क कौन सा सार्क कंट्री नहीं है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चाइना जो सार्क का अंदर नहीं आता है सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और ये एस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 को इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू ठमांडू नेपाल में है इसका हेडक्वार्टर सार्क का हेडक्वार्टर अगला क्वेश्चन द ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट आई एल ओ का हेडक्वार्टर जो कहां पर है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जनेवा में है ये जेनेवा में नेक्स्ट क्वेश्चन क्लीन एयर इनिशिएटिव सी ए आई इज प्रोमोटेड बाय द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक Next question. World Trade Organization has its headquarters at the right option is option A. Geneva. Geneva may a World Trade Organization. Next question. EVIN stands for the right option is option A. Electronic Vaccine Intelligence Network. Next question. Patadakal group of temples belong to right option is option B Chalukya dynasty. Next question: An example of detritivores that break down detritus into smaller particles. Right option is option A. Artworm. Next question: Producers in the ecosystem are. Right option is. ऑप्शन बी ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इकोलॉजिकल सक्सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिस इनवेट ए बियर एरिया आर कॉल राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पायोनियर स्पेसिस वच इस है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एंटी कोलिजन सिस्टम इन ट्रेन इंडिया में बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंट होता है जहां में बहुत सारा कैजुअलिटी होता है तो ये वो कैजुअलिटी को कम करने के लिए या बचाने के लिए इंडियन रेलवे सिस्टम ने ये लागू किया था कवच अगला क्वेश्चन

environment protection echo next question dash is the natural aging of a lake by nutrient enrichment of its water the right option is option D eutrophication eutrophication next question inflation target to be set by the government of India in consultation with the Reserve Bank once every uh, option C is the right answer once every five years नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन एशिया इज एट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तावांग तो फर्स्ट लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होने से आ, बोरो बुद्धुर है बोरोबुदुर जो इंडोनेशिया में है बोरोबुर इंडोनेशिया में जो कि लार्जेस्ट या बिगेस्ट बुद्धिस्ट मनोस्टरी है ये एशिया में भी आता है और पूरा वर्ल्ड में भी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रेन अरुणाचल ए सी एक्सप्रेस रन बिटवीन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन द नाहर लगन टू आनंद बिहार टर्मिनल दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट अरुण ऑफ बी आर ओ इज लोकेटेड एट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नहर लगन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन आजी लामो इसमो जो क्या है मोनपा ट्राइप का डांस है ये सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो चलिए अगले एग्जाम पर चलते हैं एग्जाम नंबर नाइन ड्राइवर एग्जाम एल डी सी ई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एल डी सी ई का फुल फॉर्म है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो ये एग्जाम जो का खाली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है फाइव इयर्स से कर रहा है वो लोग दे सकेगा लेकिन हम लोग को तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन है विश ऑफ द फॉलोइंग सिटी लाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर विश्वामित्री राइट आंसर इज ऑप्शन ए दारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिलेटली इज द स्टडी ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पोस्टेज स्टम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो क्या है चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस वीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन सी केरला केरला का हाइस्ट लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस लोवेस्ट है बिहार का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ नीति आयोग नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक एंड एरिया ऑफ डार्कनेस इज रिटर्न बाय राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वी एस नहपुल अगला क्वेश्चन पर चलते हैं विश ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्शन इज ऑप्शन डी आर्टिकल हंड्रेड ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डी प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन जो अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देता है प्रेसिडेंट को सबमिट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजनस पीपल्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नाइन्थ ऑफ अगस्त नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्ना एवॉर्डी पॉपुलरली नोन एज दर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी भूपेन्द्र हजारिका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन ब्लड क्लोथिंग खून को रुखाने के लिए कौन सा विटामिन यूज करता है कौन सा विटामिन मदद करता है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विटामिन के अगला क्वेश्चन पे चलते हैं द इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए लिफ थ्रू द स्टोमेटा इज नॉन एज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन एन आईलैंड नेशन मालदीव्स इज इन राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडियन ओशन मालदीव्स का कैपिटल सिटी क्या है माले है नेक्स्ट क्वेश्चन विश ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्टिव फॉर माउंटेन्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ये तीनों ही एक्टिव फॉर माउंटेन्स हैं एंड दिस हिमालय एंड हेल्प नेक्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन ऑफ फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एन के सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर मेजर इज फ्लोइंग रिवर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव कावेरी रिवर गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर तीनों ही इज फ्लोइंग रिवर्स है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड इज एसोसिएटेड विद द ऑफेंस ऑफ राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सेडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 थाउजेंड कहाँ में होगा और कहाँ में हुआ था राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कतर में कतर में हुआ था और किसने जीता था अर्जेंटीना ने जीता था किसको हराया है फ्रांस को हराया है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा ये यूएसए मैक्सिको एंड कनाडा में होगा तीन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप को खेला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ भूटान भूटान का ऑफिशियल करेंसी कौन सा है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी भूटान मोल्टम नेक्स्ट क्वेश्चन बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिथेन नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इंडिया में राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी परमवीर चक्र और अशोक का चक्र जो क्या होता है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है और भारत रत्ना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है अगला क्वेश्चन बंबू बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्रास नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ऑर्किड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन अरुणाचल द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टीपी टीपी जो कहाँ में है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन पी नोबिन जोमो इज एसोसिएटेड विद गेम पी नोबिन जोमो जो कौन सा गेम खेलता है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कराटे तो अगला एग्जाम में चलते हैं एग्जाम नंबर टेन एल डी सी डी ओ एल डी सी एग्जाम ये सेट टू नहीं होगा और ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एग्जाम था तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है

नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंस विद द फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बड़ा से छोटा सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर एशिया नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क इज रिटन बाय द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सुधा मूर्ति नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार सरोवर डम इज बिल्ड अक्रॉस सरदार सरोवर डम जो कौन सा नदी में बनाया गया है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नर्मदा रिवर में नेक्स्ट क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वेटलैंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोट ए एंड बी डेट इज होल सेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों ही इंडिकेटर से इंडिया का इन्फ्लेशन को इंडिया का महंगाई को मेजर किया जाता है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रला नेक्स्ट क्वेश्चन द टोलेट माउंटेन रेंज इन दर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हिमालयास टोलेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है हिमालयास है नेक्स्ट क्वेश्चन कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सिक्किम में है यह कंचजा नेशनल पार्क जो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following institution vested with the responsibility of conducting monetary policy in india? the correct option is option b, rbi, reserve bank of india. next question, the indian state which is selected for world no tobacco day about 2022 is? the correct option is option c, jharkhand. next question. मोंकी पॉक्स डिजीज इज कॉज बाई इन्फेक्शन विथ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोंकी पॉक्स वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन विथ इज़ ए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रबी क्रॉप रबी क्रॉप मीन्स ये विंटर में उगाया जाता है खरीफ क्रॉप मीन्स समर में उगाया जाता है जेड क्रॉप जो क्या है ये स्प्रिंग सीजन में उगाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन डूरन कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी फुटबॉल फुटबॉल में दिया जाता है डरन कप जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी श्री जयवर्दनापुरा खोते नेक्स्ट क्वेश्चन विश ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्रिप्टो करेंसी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब बिटकॉइन इथेरियम यूएसडी कॉइन तीनों ही क्या है क्रिप्टो करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी को सताशी सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया था ये जापान का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2009 में इन्वेंट किया था एग्जैक्ट डेट याद नहीं है हमको भी शायद टू तो नहीं नाइन ही था नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो सिचुएटेड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, बेल्जियम ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है अगला क्वेश्चन

बीजेस स्ट्रेट भी कहा जाता है ये वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड बिजनेस है यहां से होके गुजरता है जो कि अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी में है नेक्स्ट क्वेश्चन समर सीजन रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश इज मेनली ड्यू टू करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी साउथ वेस्ट मानसून ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेहाव लेक इसचुएटेड इन विच डिस्ट्रीक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन बी लॉवर दिबंग वैली नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव रबींद्रनाथ टेगोर वॉज़ एप्ड एस वेल एस कैरक्ट आंसर इस ऑप्शन बी पेंटर अगला क्वेश्चन सेवेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट इंक्लूडेड विच ऑफ द फोलोइंग लैंग्वेज इन द एथ शेड्यूल करेक्ट आंसर इस ऑप्शन बी मणिपुरी सेवेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक जो मणिपुरी को इंक्लूड किया था उसके साथ साथ दो और लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है कौनकानी एंड नेपाली को ये तीन लैंग्वेज को सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एट शेड्यूल में ऐड किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक इज celebrated इन विच ऑफ द फॉलोइंग districts? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी Lower Dibang Valley. तो so, चलिए अगले एग्जाम पर चलते हैं अगला एग्जाम है एम टी एस एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो चलिए एम टी एस का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन आर्या समाज समवाद स्टार्टेड बाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पतालीपुत्र इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिहार में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ट्वेंटी जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन The first woman prime minister of India is the correct option is option C, Indira Gandhi. The World Environment Day is observed on the correct option is option A, 5th June. Next question The largest ocean in the world is the correct answer is option A, Pacific Ocean. Next question, India is in the continent of, correct option is option B, Asia. Next question, gateway of India is located at, the correct answer is option C, Mumbai. Next question, the animal which is called a ship of the desert is, the correct option is option C, camel. Next question, one was popularly known as Netaji. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बचेंद्री पाल नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिवर नाइल ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लानट इज़ नॉन एज द रेड प्लानट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मार्स तो मैं प्लान कर रहा हूँ अब लोग के लिए सोलर सिस्टम के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाएगा बोल के तो नेक्स्ट uh, टाइम दो तीन दिन के बाद मैं, मैं में मैं ट्राई करूँगा एम सी क्यू फॉर्मेट में सोलर सिस्टम का क्वेश्चन बनाने के लिए इट विल बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एम टी एस एंड कॉन्स्टेबल एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ गीतांजलि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टेगोर नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट माउंट Everest इस the highest माउंटेन peak इन the वर्ल्ड और present हाइट ऑफ माउंट Everest इस अराउंड 8,849 meter. मीटर और ये माउंट एवरेस्ट जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द रोम इज़ द कैपिटल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इटली नेक्स्ट क्वेश्चन आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रिवर यमुना नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फाइव इयर्स ये एमएलए का इलेक्शन जैसा ही होता है आफ्टर एवरी फाइव इयर्स इलेक्शन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लॉर्ड डालाउजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में आ, राजा का अगर लड़का बच्चा नहीं होने से वो किंगडम को ब्रिटिशर्स लोग ने छीन दिया जाता था और लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडियरी अलायंस को सब्सिडियरी अलायंस को लागू किया था जिसमें राजा को आ, आर्मी प्रोवाइड करेगा ब्रिटिशर्स लोग और उसका बदले में राजा जो ब्रिटिश British, ब्रिटिशर्स लोग को पैसा या जमीन लेना पड़ता था तो ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूज होता है लॉर्ड डालाउजे होने से डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स लॉर्ड वेलेसले होने से सब्सिडियरी लाइंस। इसको याद करके रखिएगा आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन हु कंपोज द अलावर पिलर इंस्क्रिप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हरी सेना Next question. The vaccine for smallpox is discovered by the correct option is option A. Edward Jenner. Next question: The chemical formula of water is the correct option is option P H2O. The name of the laughing gas is correct answer is option D nitrous oxide N2O. Next question. The chairman of the drafting committee of Indian Constitution was. The correct option is option B. Doctor B. R. Ambedkar. This question has been repeated Next question: The nearest planet to Sun in our solar system is. The correct option is option A. Mercury. Next question: The famous scientist who discovered gravity. The correct option is option A. Sir Isaac Newton. नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर सोलर सिस्टम एस्टेराइट्स आर फाउंड बिटवीन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर एस्टेरॉइड्स जो मेटेरॉइट्स से बहुत बड़ा होता है और एस्टेरॉइड्स जो आर्ट का बाहर में पाया जाता है आर्ट का बाहर में पाया जाता है मींस आउटर प्लान्स में पाया जाता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर नेक्स्ट क्वेश्चन The, the organ of reproduction in flowering plant is the correct option is option D, flower. Next question Our main source of energy is the correct option is option C, sun. Next question The energy obtained from the interior of the earth is called the correct option is option C, geothermal energy. Next question The main gas in the atmosphere is. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो अराउंड सेवेंटी एट परसेंट है सेकेंड में आता है ऑक्सीजन जो कि ट्वेंटी वन परसेंट है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं द फेमस जयपुर इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस दैट वी यूज फॉर ब्रीदिंग ब्रीदिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करता है दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन द एस यूनिट ऑफ लेंथ इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीटर बहुत सारा लोग ऑल ऑफ द एबव को भी मार के आता है ये बिल्कुल गलत है एस यूनिट लेंथ का क्या है मीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन द रिपब्लिक डे इज ऑब्जर्व ऑन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू ये हम लोग का फर्स्ट एस टी वोमेन है जो इंडिया का प्रेसिडेंट बना है ये संथल ट्राइब से बिलोंग करता है संथल ट्राइब और ओडिशा का है ये ओडिशा स्टेट का है नेक्स्ट क्वेश्चन द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल थ्री आर्म फोर्सेस इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज Option D is the right answer. Bengaluru. Next question. Dash is a war monument built with stone by the Adis to fight against the Britishers in 1894 AD. The correct option is option B. Bong el yabgo. Bong -yel -yab Next question. The Dandi march took place in. The correct option is option C. 1930. Dandi march ko salt satyagraha bi. कहा जाता है ये शुरू हुआ था ट्वेल्व मार्च से सिक्स अप्रैल तक और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था यह ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट सोल्व टैक्स को हटाने के लिए शुरू किया था नेक्स्ट क्वेश्चन डेश वॉज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्ना एवॉर्ड करेक्ट ऑप्शन नीज ऑप्शन बी बमतटो कामदक बोमटो कामद जो डिप्टी एसपी था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और यहां पर आर बॉब कटिंग ने भी मिला है अरुणाचल एवॉर्ड को अरुणाचल रत्ना एवॉर्ड को हंगपन दादा और चयंग ताजो को नहीं मिला है आप लोग याद रखेगा अरुणाचल रत्ना एवॉर्ड जो अरुणाचल का हाइस्ट अवार्ड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन टू थाउजेंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तिरप तिरप से लॉन्गिंग को कर्व आउट किया गया था टू थाउजेंड ट्वेल्व में नेक्स्ट क्वेश्चन के ए ए राजा वॉज द फर्स्ट देश ऑफ अरुणाचल प्रदेश करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी का होता है नॉर्मल स्टेट का होने से गवर्नर होगा तो के ए राजा जो फर्स्ट अरुणाचल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था क्योंकि 1987 से पहले अरुणाचल जो यूनियन टेरिटरी था नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश बिकम ए स्टेट फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1987 नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू वन उडयन इज सिचुएटेड एट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रॉइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव अरुणाचल प्रदेश हेड देश डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश हेड कितना डिस्ट्रिक्ट था नाइनटीन सिक्सटी फाइव में फाइव डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट में आएगा कामेंग सेकेंड सुबनशेरी थर्ड में लोहित फोर्थ में सियांग और फिफ्थ में तिरप अब लोग ये पांच डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से याद कीजिएगा 1965 में अरुणाचल का पांच डिस्ट्रिक्ट था अगला क्वेश्चन है देश इज द दे लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी धोलिया सादिया ब्रिज ये लगभग नाइन पॉइंट वन फाइव किलोमीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन एप्पल ऑर्कार्ड इज लोकेटेड एट दिस प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शेरगांव शेरगांव कहाँ में है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है तो चलिए अगले एग्जाम पर अगला एग्जाम है एग्जाम नंबर ट्वेल्व एल डी सी ई एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ऑर इन द वर्ल्ड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ब्राजील नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे को कब मनाया जाता है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ट्वेंटी सेकेंड मार्च यह क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द पहलगम्स बर्ड फेस्टिवल हेल्थ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन विश मिरर इज यूज इन व्हीकल मिरर्स गाड़ी में कौन सा मिरर यूज किया जाता है द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो डाइवर्जिंग मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर जो इसके लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इरेक्ट इमेज देता देता है और छोटा सा इमेज देता है क्योंकि उसको बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ता है दूर दूर का पीछे का ऑब्जेक्ट लोग को क्लियरली हम लोग का गाड़ी का मिरर में दिखाई देता है इसके लिए कन्वेक्स मिरर को यूज़ करता है व्हीकल में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक समिट हेल्थ ब्रिक्स समिट सबसे पहले कहाँ हुआ था करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन ए रशिया में रशिया में एक जगह का नाम है ये का टरिन बार्क में हुआ था ये फर्स्ट ब्रिक्स समिट ब्रिक का फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राजील आर फॉर रशिया आई फॉर इंडिया सॉरी सी फॉर चाइना और रिसेंटली एस भी जुड़ गया है एस फॉर साउथ अफ्रीका ये पांच नेशन जुड़ गया है अभी ब्रिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज ये फिर से रिपीट हो गया करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लरिंग्स लरिंग्स से ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस होता है इसके लिए उसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज जंतर मंत्र जंतर मंत्र जो क्या है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जंतर मंत्र इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इट इज सिचुएटेड एट राजस्थान राजस्थान का जयपुर सिटी में सिचुएटेड है जंतर मंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिहार बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है हाइएस्ट किसका है हाइएस्ट इज रला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1972 सेवेंटी टू नाइन्थ सेप्टेंबर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पेरिस पेरिस फ्रांस में है ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आर बी आई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी शक्तिकांता दास अगला क्वेश्चन पे चलते हैं विश वन ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान वॉज नॉन एज महलास प्लान करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी सेकेंड फाइव ईयर प्लान ये लेके 1961 तक था। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का नाम क्या है हररोड डोमर मॉडल नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टार्स फ्लैग ऑफ चाइना है फ्लैग में कितना स्टार है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए फाइव स्टार्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नाइनटीन ट्वेंटी ये फास्ट अगस्त नाइनटीन ट्वेंटी को शुरू हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ पे है नेपाल पर है ये लॉर्ड बुद्धा जो 564 सिक्सटी में जन्म हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द ईयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सेवनटीन एटी नाइन फिफ्थ में सेवेंटीन एटी नाइन को शुरू हुआ था ये द राइस ऑफ नेपोलियन बेनापार्ट भी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप कॉटन जो कौन सा टाइप का क्रॉप है करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन बी खरीफ क्रॉप मीन्स ये सामर में उगाया जाता है रबी क्रॉप मीन्स विंटर रबी क्रॉप का एग्जाम्पल अब लोग बोल के देखिए और जेड क्रॉप जेड क्रॉप में क्या क्या आएगा टोमेटो पम्पकिन वगैरह आएगा खरीफ क्रॉप में कॉटन राइस आएगा रबी क्रॉप में आएगा विथ पल्सेस एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गेस्ट रिवर इन दर्ल्ड इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ये भी चार पांच बार हो गया रिपीट हो रहा है अगला क्वेश्चन है विच एमोंग द नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क प्रेजेंट है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी मोलिंग नेशनल पार्क मोलिंग नेशनल पार्क जो कहाँ में है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है मानास नेशनल पार्क जो कहाँ में है ये आसाम में है कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में बाल नेशनल पार्क जो मेघालय है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी हु वॉज द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शिवा स्वरूप ये 1985 से लेके 1987 तक किया है क्योंकि 1987 एटी बाद अरुणाचल फुली स्टेट खुद मिल गया था फर्स्ट होने से के ए राजा होगा ठीक है लास्ट कौन सा है शिवा स्वरूप नेक्स्ट क्वेश्चन दिस रिवर एज्यूम्स द नेम ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नमका चू नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट थ्रू ट्रेन वॉज रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टू थाउजेंड फिफ्टीन का लिटरेली ट्रांसलेट्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी मेडिसिनल वाटर ऑफ स्नो तो अगला क्वेश्चन तो अगला एग्जाम पर चलते हैं अगला एग्जाम है थर्टीन नंबर एग्जाम जे एस ए जे एस ए मीन्स जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये भी एल डी सी का है मीन्स लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री देखते हैं चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सेवेंटी नाइन ग्रैंड चेस मास्टर ऑफ इंडिया द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रणेश एम नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ओम बिरला नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following instrument is used for recording earthquake waves? The correct option is option C, seismograph. Next question What is the SI unit of electric current? The correct option is option C, ampere. Next question Zero degree longitude is called as? The correct option is option A, prime meridian. Next question which is the borderline between india and china the correct option is option a mcmahon line next question how much percentage of nitrogen is present in the atmosphere the correct option is option c 78 percent next question what is the full form of nato the correct option is option a नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द acetic एसिड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सी एस थ्री सी डबल ओ एच इसको हम लोग विनेगर भी बोलता है और इसको मीट बनाने समय में यूज करता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन

Harmo meter. Next question Which of the following schedule is related to language mentioned in constitution? The correct option is option D. Add schedule. Next question Which is the capital city of Russia? The correct option is option D Moscow. Next question Which of the following national park is famously known as Floating National Park? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी केबुल लम जाओ नेशनल पार्क केबुल लम जाओ नेशनल पार्क जो वर्ल्ड का अकेला ऐसा पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है यह कहाँ में है मणिपुर स्टेट में है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फर्स्ट जुलाई नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द धूप सागर फॉल्स लोकेटेड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गोवा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अरावली हिल्स अगला क्वेश्चन व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू टू एग्जिस्टेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी परमानेंट मेम्बर्स आर दे आर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फाइव नेशंस फाइव नेशन कौन कौन सा है नंबर वन में यू एस ए नंबर टू में चाइना नंबर थ्री में फ्रांस नंबर फोर में रशिया एंड नंबर फाइव में यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेक बोट रेसेस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी केरला नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज पॉपुर पॉपुलरली नॉन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी वर्गीश कुरेन नेक्स्ट क्वेश्चन डिसम्बर टेन इज ऑब्जर्व एस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ह्यूमन राइट्स डे नेक्स्ट क्वेश्चन विच डैम इज टलेट डैम इन इंडिया करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए तेहरी डैम लॉन्गेस्ट डैम होने से हिराकूट डैम होगा और ये ओडिशा में है ये लकुट डैम और टेरी डैम कहाँ में है उत्तराखंड में सॉरी फॉर माई हैंड ये उत्तराखंड में है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग नीति आयोग का सीईओ कौन है प्रेजेंट में अभी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बी वी आर सुब्रमण्यम पुराना कौन था अमिताभ कांत नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देर इन इंडिया द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव हाई कॉर्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यू स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड वी आर क्रिएटेड इन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टू थाउजेंड टू थाउजेंड में ये तीन स्टेट को सेपरेट uh, किया गया था uh, सबसे पहले छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से सेपरेट किया गया था और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से सेपरेट किया गया था और झारखंड को बिहार से अब लोग याद रखिएगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पायोरिया इस डिजीज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए गम्स गम्स नेक्स्ट क्वेश्चन The Reserve Bank of India was set up on the correct option is option A, 1st April 1935. Next question Who is the father of banking reforms in India? The correct option is option D. Mando Wolu Narasimham. Next question. द रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्फरर्स इज द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कपल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बोमन एंड वेली अगला क्वेश्चन पे चलते हैं ऊबर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बैडमिंटन नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल एम्पेयर हमायून वॉज बोर्न इन द ईयर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए फिफ्टीन हंड्रेड एट नेक्स्ट क्वेश्चन सैमसंग इज द कंपनी ऑफ दिस कंट्री सैमसंग कौन सा कंपनी कंपनी कौन सा कंट्री का है द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए साउथ कोरिया नेक्स्ट क्वेश्चन अलेगजेंडर थ्री डाइड एट दिस प्लेस एलेक्जेंडर थ्री कौन कहाँ पर मरा था करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बेबीलोन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मनस्टरी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तवंग मनस्टरी जो क्या है एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया में कौन सा है बोरूब ये इंडोनेशिया में है वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट कहा जाता है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनसरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मिथुन नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ डैश लोकसभा सीट्स अरुणाचल में कितना लोकसभा सीट है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टू लोकसभा सीट वेस्टर्न का कौन है किरण रिजिजू ईस्टर्न सीट का कौन एमपी है तपिर गांव और राज्यसभा का एमपी कौन है नबम रेबिया ये तीनों का नाम को याद रखिएगा Agla question. Onachal Pradesh was formed as a union territory in. The correct option is option C, 1972. Next question. The highest hill in Onachal Pradesh is. The correct option is option D, Kangto Mountain. Agla question. Onachal Pradesh has a total of desk stations. The correct option is option B, three railway stations. नेक्स्ट क्वेश्चन मामांग डाई रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 2017 फॉर द नॉवेल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी द ब्लैक हिल नेक्स्ट क्वेश्चन देश इज द फर्स्ट वोमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सीजन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अंशु जमसनपा ये अरुणाचल का वोमेन एवरेस्टर है जो कि एक सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट को चरा है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी आसाम। ढोला सदिया ब्रिज जो क्या है अरुणाचल और आसाम का बीच में बनाया गया है जो कि लगभग 9.15 किलोमीटर लंबाई है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश the correct option is option b, sonam. next question. this is the first newspaper from the state of orachal pradesh established way back on february 20, 1988. the correct option is option c, eco of orachal. next question. desh was the first speaker of orachal pradesh legislative assembly. the correct option is option a, e nokme namati. next question. पासीघाट वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन अरुणाचल प्रदेश वॉज एस्टैब्लिश इन पासीघाट टाउन को कब एस्टैब्लिश किया गया था करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी नाइनटीन हंड्रेड इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉन्फॉर्ड द फर्स्ट अरुणाचल रत्ना एवॉर्ड टू करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बमतो कम दल ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following is the official language language of अरुणाचल प्रदेश The correct option is option B. English. तो चलिए अगले एग्जाम्पल चलते हैं ये एग्ज़ाम लास्ट एग्जाम है एग्जाम नंबर फोर्टीन फायरमैन मिनरल गार्ड एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फर्स्ट क्वेश्चन है आईहोल होल वॉज द कैपिटल ऑफ डायनेस्टी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चालुक्या चालोक्यास का था आईहोल जो चालोक्यास डायनेस्टी का कैपिटल सिटी था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोट ए एंड बी नंबर ए है ब्लीडिंग ऑफ द माउथ एंड गम्स नंबर बी है ब्लीडिंग इन टू मसल एंड जॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप इन ए हॉस्पिटल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मोरटरी मोरटरी कहा जाता है हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखने वाला जगह को नेक्स्ट क्वेश्चन गीधा इज द फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री गिफ्टेड द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए यूएसए को स्टेचू ऑफ लिबर्टी कौन सा कंट्री दिया था द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फ्रांस ने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव्स मालदीव्स का कैपिटल सिटी है माले द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी होमी जहांगीर बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज लूरट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मलाला यूसुफ झाई माला यूसुफ झाई ने सेवेंटीन ईयर्स का समय में नोबेल पीस प्राइज जीता था नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और वो आ, इंडिया का फर्स्ट पर्सन बन गया है एथलीट में गोल्ड मेडल लाने का एथलीट में गोल्ड मेडल लाया है ओलंपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय बिस्मिला खान द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी शहनाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी महेश भूपति ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस में होता है चार प्रकार का ग्रैंड स्लैम होता है आप लोग याद रखिएगा इसको फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन सेकेंड होता है फ्रेंच ओपन थर्ड होता है विम्बलेदन फोर्थ होता है यूएस ओपन चारों का सिंगल में विनर को जैसे भी याद करके जाइएगा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट पायलट लाइसेंस पायलट लाइसेंस को मिला था ऑप्शन डी जहांगीर आर डी टटा को अगला क्वेश्चन विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हुबली हुबली जो काम है ये कर्नाटक काम है next question where is the headquarter of north atlantic treaty organization is located the correct option is option c brussels belgium next question what is the name of first silent film of india the correct option is option a raja harish chandra next question who is the father of indian space program करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम सरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चानाकिया इस ऑल्सो नॉन एस करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी विष्णु गुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन द लेक लादोगा इज लोकेटेड एट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन

द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2005 में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मार्क जकरबर्ग फेसबुक का अभी नया नाम हो गया है मेटा मेटा का नाम से जाना जाता है फेसबुक को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश

ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा आर्टिकल से अमेंड किया जाता है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लाइज स्टेट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नाइनटीन एटी सेवन ट्वेंटी फरवरी नाइनटीन एटी सेवन को अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लाइज स्टेट बन गया था अरुणाचल का साथ साथ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है जो है मिजोरम को भी ट्वेंटी एट फेबर सेवन को स्टेट ऑफ डे पाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्किन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द रेजांग वार मेमोरियल लोकेटेड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लद्दाख नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड इन विस ईयर वर्ल्ड वार टू कब शुरू हुआ था करेक्ट ऑप्शन न्यूज ऑप्शन सी 1939 नेक्स्ट क्वेश्चन विस इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में कौन सा है करेक्ट ऑप्शन न्यूज ऑप्शन ए एन एच फोर्टी और बंदर देवा का बीच का नेशनल हाईवे का नाम जो क्या है एन एच फोर वन फाइव इसको भी जरूर याद कीजिएगा एन एच फोर वन फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी राफलेशिया आर्नोल्डाई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन वन टीम इन शोकर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एलेवन इलेवन प्लेयर्स शोकर गो फुटबॉल भी बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक फ्रेश वाटर लेक जो कौन सा है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लेक सुपेरियर लेक सुपेर यूएसए और कनाडा में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन हु पेंटेड द मोनालिसा मोनालिसा जो फेमस पिक्चर है कौन पेन किया है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लेनार्डो विंची अगला क्वेश्चन पे चलते हैं चार मिनर इज लोकेटेड इन दिस सिटी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हैदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वोमन टीचर इन इंडिया द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले नेक्स्ट क्वेश्चन

नेक्स्ट क्वेश्चन दिस फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस ऑर्गेनाइज इन दिलेजेस विद ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन टू द क्रॉप्स सोन सो एस टू हेव गुड हार्वेस्ट द करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन डी चौक चौक फेस्टिवल को मोनपा ट्राइब और शेडोगपें ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वॉज ऑन अरुणाचल प्रदेश इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नाइनटीन सेवेंटी नाइन अरुणाचल में अभी तक फिलहाल दो बार प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है फर्स्ट 1979 को हुआ है और सेकेंड बार जो 2016 को लागू किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिस्मार्क नगर बिस्मार्क नगर जो कहाँ पे है बिस्मार्क नगर जो लोबर लोबर दिबंग वैली में सिचुएटेड है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं वो द फॉलोइंग एम द फर्स्ट वोमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तीन मेना नेक्स्ट क्वेश्चन इन अरुणाचल प्रदेश एप्पल और कार्ट इज लोकेटेड एट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी शेरगांव शेरगांव वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following national highway connects Tabang to Pasigat? The correct option is option D, NH 13. Next question. The Adi Village Council of Onachal Pradesh is called? The correct option is option D, Kebang. Next question. Onachar Pradesh Tableau won first prize in the Republic Day Parade in this year for depicting yak dance. कौन सा साल में जीता था अरुणाचल प्रदेश जो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू थाउजेंड सेवेंटीन नेक्स्ट क्वेश्चन देश इज द स्टेट बार्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हॉनबिल तो आज का वीडियो इतना में ही समाप्त होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग मैंने लगभग मोर देन सिक्स फिफ्टी क्वेश्चन कवर किया है फोर्टीन एग्जाम्स ए पी एस एस का तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए ये यहाँ पर कोई कोई क्वेश्चन फाइव टू सिक्स टाइम्स भी रिपीट हुआ है आ, मैं गारंटी के साथ आ, बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा आप लोग काइंडली दोनों ही वीडियो को पार्ट वन पार्ट टू को अच्छा से गो थ्रू कीजिएगा और आपका भाई बहन या आपका दोस्त को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो को तो चलिए थैंक यू एवरीवन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर